फाइनेंशियल ईयर 24 इंडियन हाउसिंग मार्केट ग्रोथ पहुंची ऑल टाइम हाई और इसी मार्केट से रिलेटेड एक कंपनी ला रही है 3,000 करोड़ रुपए का बिग आईपीओ। गेसिंग के लिए कोई मार्क्स नहीं है, ये कंपनी लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में डील करती है। नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस। आधार हाउसिंग फाइनेंस में 98.72% स्टेक बीसीपी टॉप को ओन करता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, ये दुनिया की लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन की एक सब्सिडरी बिजनेस है। तो आज क्या कवर करेंगे? आधार हाउसिंग फाइनेंस इंडिया का बिजनेस मॉडल, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स एंड में आईपीओ की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। आईपीओ के बारे में और जानना है, कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आधार हाउसिंग फाइनेंस लो इनकम हाउसिंग लोन्स इंडस्ट्री में काम करती है। लो इनकम हाउसिंग इंडस्ट्री को बेहतर समझते हैं। ये स्पेसिफिकली वो लोगों को केटर करती है जो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हों या कोई छोटे बिजनेसेस हों। एनीवन जिसको 15 लाख रुपए तक के हाउसिंग लोन सॉल्यूशंस चाहिए। इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज मार्च 2023 के एंड में 4.3 लाख करोड़ था। बाय द वे, फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच में 8-10% के CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इस ग्रोथ को कॉन्टेक्चुलाइज करते हैं, सुनते हैं कि क्या MD एंड CEO ऋषि आनंद का हिस्टोरिकल एनालिसिस है। So I would say, since you use the word COVID, I think post-COVID, the market has been very, very dynamic. I think it is industry-wide phenomena when it comes to low-income housing. Post-COVID, I think has at least the segment that I operate in wants to have a own house to secure their family for a future perspective. Company kai range ke loans offer karti hai. Ye do types ke hain, home loan aur non home loans. Kin scenarios mein loan mil sakta hai? Residential property related, home construction ya improvement, commercial property ki acquisition aur construction ke liye loans liye ja sakte hain. और जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच में होम और नॉन होम लोन्स के ग्रॉस एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, लोन डिसबर्समेंट्स और एवरेज टिकट साइज तीनों में ग्रोथ देखी गई है। आधार फाइनेंस के लोन्स की एवरेज टिकट साइज 9 लाख रुपीस है और एवरेज लोन टू वैल्यू रेशियो 58.1% का है। लोन टू वैल्यू रेशियो से हम लोन की वैल्यू और उससे खरीदे हुए एसेट या प्रॉपर्टी के रेशियो को देखते हैं, जिससे हमें लोन के डिग्री ऑफ रिस्क का पता चलता है। इस रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, जिससे हमें लोन वैल्यू को प्रॉपर्टी वैल्यू के परसेंटेज के बारे में पता चलता है। आइडियली ये रेशियो 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड आई गेस दैट मेक्स सेंस इवन टियर 4 या टियर 5 शहरों में जहां ये कंपनी ऑपरेट करती है। टेक अ लुक एट दिस क्लिप। ये जो सेगमेंट है जिसको हम केटर करते हैं, ये लाइफ टाइम में एक ही बार अपना मकान बनाते हैं और इमोशनल कोशेंट, इमोशनल अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी के साथ होती है इतनी हाई होती है। हमारे कस्टमर्स डिलिंक्वेंट जरूर होते हैं, बट अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो NPA ना हो और सरफेसी उन पे लागू ना हो और उनका मकान उनके हाथ से ना जाए। तो इसी वजह से हमारा GNPA लेवल्स है हमेशा से ही इन द रेंज ऑफ 1.2-1.3% रहा है, जबकि इंडस्ट्री का 3.5-4% तक जाता है। आधार फाइनेंस ने एक सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया है। इनके पास कंट्री वाइड ब्रांच एंड सेल्स ऑफिसर्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क है। एज ऑफ 30th of September, इनके पास 471 ब्रांचेस हैं, जो इंडिया के 533 डिस्ट्रिक्ट्स और 20 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। सारे स्टेट्स में इवनली स्प्रेड आउट होने से इनके ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन के रिस्क घट जाते हैं। अब इनका एक्सपेंशन वाइड नहीं है और फोकस्ड होगा। फिर से कंपनी के MD एंड CEO से सुन लेते हैं। And obviously we don't have any more state to expand, but we will definitely be going deeper into states that we understand at the back of our hand. Our birth state, for example, Uttar Pradesh. We are about 64 branches there. We can go deep. States like Rajasthan, Maharashtra, Gujarat. These are states of high potential when you go to tier 3, tier 4 kind of locations. So ये था आधार फाइनेंस का बिजनेस मॉडल। अब देखते हैं इनके स्ट्रेंथ्स और इनके वीकनेसेस के बारे में। पहली, ये है सेगमेंट में एक्सपर्टीज।
कंपनी का कहना है कि इंडिया के लो इनकम हाउसिंग लोन सेगमेंट में आधार फाइनेंस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनके 6 एनालाइज पीयर्स में सबसे ज्यादा थे एटलीस्ट September 30th, 2023 तक। इसके अलावा कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच में कांस्टेंट ग्रोथ देखी गई है। दूसरा, कंट्री वाइड प्रेजेंस। आधार हाउसिंग फाइनेंस के पास देश भर में 471 ब्रांचेस और सेल्स ऑफिसेस हैं। ये एक्सटेंसिव नेटवर्क 20 स्टेट्स में फैला हुआ है। इससे इनके सेल्स में मैसिव बूस्ट मिलता है। इनका मानना है लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में ग्रोथ के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑन ग्राउंड प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ब्लैकस्टोन की बैकिंग। स्ट्रांग मैनेजमेंट के साथ आधार हाउसिंग फाइनेंस के पास एक स्ट्रांग प्रोमोटर भी है, बीसीपी टॉपको। बीसीपी ब्लैकस्टोन का एक अफिलिएट बिजनेस है। ये आधार हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 99% स्टेक होल्ड करते हैं। इस अरेंजमेंट से कंपनी के पास ब्लैकस्टोन के रिसोर्सेज, रिलेशनशिप्स और एक्सपर्टीज का एक्सेस है। फ्लिप साइड है कि व्हाट इफ ब्लैकस्टोन एग्जिट करती है? वेल, इससे कंपनी प्रमोटर ज्यादा वरिड नहीं है। Because the worry is that, you know, these PE guys will keep coming and selling shares in the market, putting a lid to the stock price gains. So while you're right, there's no precedence of one single large shareholder as you indicated. And since there is no precedence of the primary, there is no precedence of the secondary in how will they exit. And as far as your concern around, you know, they coming back to the market every 6 months, as I indicated, the fund life is till 2030. Eventually, till 2030, they will have to exit. That's how it works. Chautha, diversified lending profile. Company apni funding ke liye diversified approach use karti hai. Inki funding aati hai in segments se. Mostly bank loans, then loan arrangements se. फाइनली NHB की रिफाइनेंसिंग और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से। कंपनी के ओनरशिप चेंज के बाद से वो लगातार डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से फंडिंग रेज कर रहे हैं, जिससे वो अपनी फंडिंग की कॉस्ट को कम कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनकी वीकनेसेस के बारे में। पहला, नेगेटिव कैश फ्लोज। पास्ट फ्रेश लोन डिसबर्समेंट्स के बाद कंपनी के कैश फ्लोज की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव रह चुके हैं और कंपनी का कहना है कंपनी के फ्यूचर में भी कैश फ्लो नेगेटिव हो सकते हैं। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी को शायद सस्टेन ना कर पाए। ICRA एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और उनका मानना है नेशनल हाउस ऑफ बैंकिंग के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी कम है, जिसके कारण फिस्कल ईयर में बढ़ने के चांसेस है, जिससे कंपनी के मार्जिन्स में ड्रॉप आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं पीयर वैल्यूएशन की। तो पहले हम देखते हैं कि किन पोर्शंस पे आधार हाउसिंग फाइनेंस अपने पीयर्स को कहां बीट कर रही है। सबसे पहले है PE। आधार हाउसिंग की वैल्यूएशन इन सब कंपनीज से कम है, जिसका मतलब इसके बाकी पीयर्स को मार्केट में अपनी अर्निंग्स पे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसमें कंपनी एप्टस के अलावा बाकी सबसे आगे है। किसी कंपनी का ROE तब बढ़ता है जब उसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो, और आधार हाउसिंग फाइनेंस के रेवेन्यू ग्रोथ तो है ही, साथ में कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम करी है, जिससे इनके नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। इसके बाद अगर आप इन कंपनीज के नेट प्रॉफिट को देखें तो आधार फाइनेंस के प्रॉफिट नंबर सबसे ज्यादा हाई हैं, और ये क्योंकि आधार फाइनेंस इन बाकी सब कंपनीज से ज्यादा बड़े स्केल पे काम कर रही है। हाई एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और लोन डिसबर्समेंट्स रेट से उनका पैन इंडिया प्रेजेंस और मजबूत हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने अपने मल्टीपल मेट्रिक्स जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और पेमेंट कलेक्शन एफिशिएंसीज को सुधारा है, जिससे वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पा रहे हैं। अब आते हैं उन पोर्शंस पे जहां पे कंपनी बाकी पीयर्स से कम परफॉर्म कर रही है। आधार हाउसिंग फाइनेंस की डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे ज्यादा हाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 में इनके लोन डिसबर्समेंट्स में जंप देखा गया। बट एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड, इस डेट को सर्विस करने के लिए आधार फाइनेंस ने और डेट लिया, लेकिन फिर भी इनके डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले 3 सालों में नीचे गया है। अब आधार हाउसिंग के पीयर वैल्यूएशन के बाद बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, और जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव किया है। 1575 से ये फिगर बढ़ के 1728 पे रिकॉर्ड हुआ, एंड देन फाइनली फाइनेंशियल ईयर 23 में 2043 पे क्लोज हुआ। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी हमको ओवर द ईयर्स इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
340 से ये फिगर बढ़ के 444 पर रिकॉर्ड हुआ एंड देन फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 544.7 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ। अब बात करते हैं कंपनी के पी रेशियो की जो कि है 22.82 और अगर हम इसको कंपेयर करें इंडस्ट्री के पीई से तो ये 31.9 पे रिकॉर्ड हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, तो ईपीएस जैसे कि आप देख सकते हैं 13.8 है, डेट टू इक्विटी है 3.3 जो कि एक्चुअली थोड़ा हाई है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये 14.7% पे है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इन क्रोर्स इज 1722.8। एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है कंपनी की 7% पे। इस आईपीओ में आप वेंसडे यानी कि 8th ऑफ मई से फ्राइडे यानी कि 10th ऑफ मई तक बिड कर सकते हैं। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है 3000 करोड़ रुपीस, इसमें से 1000 करोड़ रुपीस फ्रेश इश्यू है और बाकी के 2000 करोड़ रुपीस ऑफ ऑफर सेल, तो मेजॉरिटी ऑफ रेस्ड मनी कंपनी को नहीं मिलेगा। आईपीओ के फ्री इशू के प्रोसीड को कंपनी कुछ इस तरह से यूज करेगी। पहला, 750 करोड़ कंपनी यूज करेगी अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जिसमें कंपनी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंशन, एडवांसमेंट ऑफ टेक, रीपेमेंट ऑफ डेट जैसी चीजों पे पैसे इन्वेस्ट करेगी। इस पे कंपनी रेस्ड मनी के 25% से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आधार हाउसिंग फाइनेंस का ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑन 5th ऑफ मई 52 रुपीज है, मतलब स्टॉक की एस्टिमेटेड लिस्टिंग 16.51% प्रीमियम पे हो सकती है। याद रखें किसी भी कंपनी का जीएमपी सिर्फ मार्केट्स में हो रही स्पेक्यूलेशंस और ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है, जीएमपी को एक्चुअल शेयर प्राइस ना कंसिडर करें। आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ, क्या आप अप्लाई करेंगे या अवॉइड, कमेंट्स में बताइए। एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आपकी ये ड्यूटी है कि इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंट कमेंट्स में आधार हाउसिंग फाइनेंस का आरएचपी अटैच कर दिया है ताकि आपका रिसर्च थोड़ा आसान हो जाए। आधार हाउसिंग फाइनेंस का ये आईपीओ रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे इन डेप्थ आईपीओ रिव्यूज आपको सबसे पहले मिले इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जाने से पहले एक स्मॉल रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन या एंडोर्समेंट नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.